स्वागत है आपका श्री सिद्धि क्लासेज में। आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम आगे पढ़ेंगे अपवर्तन है उसकी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। कल का जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने अध्ययन कर लिया था सूर्य उदय से पहले, फिर सूर्य अस्त के पश्चात भी 2 मिनट तक गया हमारे को वो क्या दिखाई देता है, सूर्य दिखाई देता है, और सूर्य अस्त होने के बाद में भी हमारे सूर्य दिखाई देता है, और सूर्य उदय होने के पहले भी 2 मिनट पहले दिखाई देता है। उसका जो कारण था वो था अपवर्तन। ठीक है, हमने देख लिया था कि जब प्रकाश किरण है वो किसमें से जाती है, विरोध से सगर में जाती है, तो विलंब की तरफ झुक जाती है और वो घटना वहां पर हो जाती है। उसी के बाद में हमारा जो दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब मैं अगर आपको पूछूंगी ये किस पर आधारित घटना है, मतलब अपवर्तन पर आधारित घटना है या फिर मैं बोलूं कि ये परावर्तन पर आधारित घटना है, तो एक बार वो इसको देखने पर क्या पता चलता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका मतलब क्या हुआ। पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब ये तो किसकी घटना है, परावर्तन की घटना होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो है वो परावर्तन की घटना नहीं है, ये किसकी घटना है, ये है अपवर्तन की घटना। कैसे अपवर्तन की घटना है और फिर हम इसको क्यों परावर्तन बोलते हैं, यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्यों बोलते हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। तो देखो यहाँ पर होता क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसे होता है उसको समझेंगे हम। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझने के लिए देखो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, यहाँ पर मान लो एक हमारे पास में इस प्रकार से एक कांच है। ठीक है, या पृथक्कारी पृष्ठ भी बोल सकते हैं, दो माध्यमों को अलग करने वाला जो पृष्ठ होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पृथक्कारी पृष्ठ बोलते हैं। दो माध्यम है जैसे जल और वायु है। ठीक है, उसके बीच का जो एक माध्यम रहेगा ना, भाई जल होगा, जल के बाद में अगर जल कभी ना कभी खत्म होकर फिर क्या होगा, वायु माध्यम आएगा ना, तो ये जो बीच का पृष्ठ होगा जल माध्यम और जो वायु माध्यम को अलग अलग रखता है उसको हम बोलते हैं पृथक्कारी पृष्ठ। तो एक तरीके से मान सकते हो ये पृथक्कारी पृष्ठ है। इसके नीचे यहाँ पर भरा हुआ है जल या कोई भी मान लो, ठीक है, जल भरा हुआ है, कौन सा माध्यम हो गया, नीचे नीचे हो गया आपका सगर माध्यम। कौन सा माध्यम हुआ, सगर माध्यम। ऊपर कौन सा माध्यम हुआ, विरल माध्यम हुआ। ठीक है, विरल माध्यम हुआ। अब देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है कैसे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन है उसमें जो प्रकाश किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। किसमें जाना चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, तभी ये वो क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, नहीं तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है वो नहीं होगा। समझ गया अगर, तो किरण को हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम भेजना है। तो यहां से मान लेते हैं एक प्रकाश किरण इस प्रकार से यहां से आ रही है। ठीक है, ये इस प्रकार से प्रकाश किरण आई। अब हमें पता है कि जहां पर भी जिस भी पृष्ठ पर प्रकाश किरण आपतित होती है उस पृष्ठ के लंबवत हम क्या खींच सकते हैं, एक अभिलंब खींच सकते हैं। तो ये हमने एक अभिलंब बना दिया, बना दिया अभिलंब। अब जो प्रकाश किरण इस प्रकार से आई है वो इस पृथक्कारी पृष्ठ से जब बाहर निकलेगी मतलब दूसरे माध्यम में जाएगी, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। अब हमें पता है कि जब भी प्रकाश किरण सघन माध्यम से किसमें जाती है, सघन माध्यम से विरल में जाती है, तो वो अभिलंब से, क्योंकि सघन से विरल में जाएगी, सघन से विरल में जाएगी, यहाँ पर वेग कम रहेगा, पानी के अंदर वेग कम रहेगा, हवा के अंदर वेग ज्यादा रहेगा, तो जब वेग जहां पर ज्यादा रहेगा वहां पर ज्यादा दूर हट जाएगी। इसलिए प्रकाश किरण को जाना बिल्कुल ऐसे था सीधा, लेकिन हुआ क्या, क्या घटना हुई, वो अभिलंब से क्या होगी, दूर हट गई। अभिलंब से क्या होगी, दूर हट गई। किरण को प्रकाश किरण को ऐसे जाना था लेकिन वो अभिलंब से दूर हट गई। अब यहां पर देखो कौन बना लेते हैं, ये आपका अभिलंब, ये कौन सी किरण है, ये है आपकी आपतित किरण। तो अभिलंब और आपतित किरण के मध्य कौन कौन सा बनता है, वो बनता है कोण आई। कौन सा बनता है, कोण आई। ये आपकी अपवर्तित किरण है, ये अभिलंब है। ठीक है, आपको रटना नहीं है किस किस के मध्य कोण बने, आप ध्यान रखो कि आपतित किरण और अभिलंब के मध्य आपतन कोण, अपवर्तित किरण और अभिलंब के मध्य अपवर्तन कोण। अगर परावर्तित किरण होती तो परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य परावर्तन कोण बनता, लेकिन यहाँ पर अपवर्तन की घटना हो रही है इसलिए यहाँ पर कौन सा कोण बनेगा, अपवर्तन कोण बनेगा। और उसको भी हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कोण आर से प्रदर्शित करते हैं, करते हैं। अब यहाँ पर मेरे को एक बात बताओ कि यहाँ पर कोण आई बड़ा है या कोण आर बड़ा है, कोण आई बड़ा है या कोण आर बड़ा है, मैं कैसे लिखूं, ये लिखूं या फिर ये लिखूं, कोण आई इसमें से सही कौन सा है। इसका मतलब इसका मतलब है ये जिस तरफ इसका मुंह खुला होता है ना, ये वाला वो बड़ा होगा, तो जैसे यहाँ पर ये कोण आई की तरफ खुला है तो इसका मतलब कोण आई बड़ा है और कोण आर छोटा है, किससे, कोण आई से। इसी प्रकार से यहाँ पर आर की तरफ मुंह खुला है तो इसके मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो आर है वो बड़ा है और ये छोटा है, इसको हम बोलते कैसे है, कोण आई। ये कोण होता है ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो कोण आई ग्रेटर देन, क्या बोलेंगे इसको, ग्रेटर देन कोण आर, इसी को भी कोण आर ग्रेटर देन
कोण आई, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता तो इसका मतलब होता कोण आई लेस देन क्या हो गया आर हो गया। ठीक है, तो आप बताओ इसमें सही कौन सा होगा। कोण आई आपका कोण आर के बराबर नहीं होता है किसमें, अपवर्तन में। परावर्तन में क्या घटना होती है, जितना कोण आपका आपतन कोण है उतना क्या होगा आपका परावर्तन कोण होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब फिर क्या होगा, कोण आई है वो क्या होगा कोण आर से क्या ज्यादा होगा। तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा एक तो क्लियर दिख रहा है फिर कोण आर है कोण आई से आपको बड़ा दिख रहा है। कोण आई और आर कब बराबर होते हैं, जब ये जो लाइन है इस प्रकार से जाती है, प्रकाश इस प्रकार जाती है, तब ये वाला कोण यहाँ से यहाँ तक है ये, तब ये कोण अगर कोण आ रहा था तब ये और ये बराबर होता। लेकिन यहाँ पर देखो कोण आर थोड़ा सा बड़ा है, इसका मतलब कौन से आपकी सही बात है, ये सही बात है, ये आपकी क्या है गलत बात है, तो ये गलत है, इसको हम नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब कोण आंतरिक परावर्तन होता है तो प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है, अभी कोण आंतरिक परावर्तन नहीं हुआ। ठीक है, और यहाँ पर कंडीशन क्या है, यहाँ पर जो कोण आ रहे वो ज्यादा है किससे, कोण आई से। अब देखो आगे तीसरी कंडीशन वापस से, ये आपका है वो सघन माध्यम है। ठीक है, अब प्रकाश किरण को देखो, अब यहां पर होगा क्या, जैसे जैसे हम क्या करते जाएंगे इस कोण आई का मान बढ़ाते जाएंगे, कोण आई का मान बढ़ाने का मतलब पहले मान लो हमने इसको 30 डिग्री लगा, अब हमने 40 डिग्री कर दिया, जब मैं इसको कोण का मान बढ़ाऊंगा तो ये जो लाइन है इस प्रकार से बढ़ेगी, अब जब मैं इसको कोण आई को बढ़ाऊंगा तो ये भी है वो क्या करेगी, ये वाली जो प्रकाश किरण वो भी क्या आएगी उसका मान बढ़ेगा। अगर कोण आई बढ़ेगा तो कोण आर भी बढ़ेगा, कोण आई बढ़ेगा तो कोण आर भी बढ़ेगा। प्रकाश किरण को अगर मैं ऐसे लेता तो ये इस प्रकार से आती और इस वैसे बढ़ूंगा तो ये ऐसे हो जाएगी। ठीक है, इसको आप ऐसे मानो कि ये बिल्कुल एक तरह से कोई लोहे की बनी हुई रोड है। ठीक है, तो मैं इस रोड को यहां से पकड़ के ऐसे करूंगा तो ये वाला भाग नीचे आएगा क्या, आएगा नीचे। तो इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जब ये कोण बढ़ेगा तो इसका मतलब ये कोण भी बढ़ेगा, बढ़ेगा यहां पर, तो हमारे को एक ऐसा कोण मिलता है, हमारे को एक ऐसा कोण मिलता है किसका, आपतन कोण का, आपतन कोण का एक ऐसा कोण मिलेगा जिस कोण पर ये जो अपवर्तित किरण है ना वो इस पृथक्कारी पृष्ठ के समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आपतन कोण का मान हम बढ़ाते जाएंगे। वापस इसको मानो आप एक रोड है यहाँ पर, ठीक है लोहे की रोड है, इसको पकड़ो यहाँ पर, पकड़ेंगे आप इसको ऐसे ऊपर लेकर जाओ, अब हमें पता है यहाँ से बंधी हुई है, इसको ऐसे लेकर जाएंगे तो ये रोड है वो नीचे आएगी। ठीक है, और इसको लेकर जाएंगे भाई, इसको यहाँ से पकड़ूंगा, देखो यहाँ से इसको मैं पकड़े कैसे करूंगा, तो ये देखो धीरे धीरे ये भी नीचे आ रही है ये ऊपर जा रही है। तो एक ऐसा मतलब कंडीशन आएगी इसमें ये जो मतलब आपकी जो आपतित किरण इस प्रकार से होगी और जो ये अपवर्तित किरण है वो ये जो पृथक्कारी पृष्ठ है ना उसके क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। किसके हो जाएगी, पृथक्कारी पृष्ठ के समांतर हो जाएगी। तो आपतन कोण के उस विशेष मान को हम बोलते हैं क्रांति कोण, आपतन कोण के उस विशेष मान को क्या बोलते हैं क्रांति कोण। मतलब क्या होगा, देखो इस प्रकार से प्रकाश किरण है आपतित होगी और अगर मान लो हमारे को एक विशेष कोण मिला, ठीक है, और विशेष कोण पर क्या होगी ये जो अपवर्तित किरण है वो क्या होगी आपकी इस पृथक्कारी पृष्ठ के क्या होगी, पृथक्कारी पृष्ठ के समांतर हो जाएगी। तो ये कितना कोण हो जाएगा बताओ, ये कोण हो जाएगा आपका 90, मतलब कोण आ रहा है वो कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और ये जो यहाँ पर आपतन कोण की एक विशेष मान पर भाई इसको चेंज करने से ही तो ये पृथक्कारी पृष्ठ के समांतर हुए ना, इसी को तो हम ऊपर लेकर गए तभी तो ये इसके समांतर हुए ना, इसको अगर हम कुछ परिवर्तित नहीं करते तो क्या ये चेंज होती, नहीं होती। इसका मतलब हम इसको ऐसे ऊपर लेकर गए, मतलब इसका कोण चेंज करने से ही ये चेंज हुई। इसका मतलब हमारे को एक ऐसा कोण मिलेगा या मिला जहां पर क्या होगी जो ये अपवर्तित किरण है वो पृथक्कारी पृष्ठ के समांतर होगी। तो आपतन कोण का जो विशेष मान है उसको हम बोलते हैं क्रांतिक कोण। तो यहां पर आएगा आपका कोण आई तो होता है लेकिन उसका आगे हम सी लगा देंगे, तो यहां पर जो आई सी या फिर इसको कभी कभी है वो थीटा सी से भी प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर जो आई सी है थीटा सी है वो है आपका क्रांतिक कोण। क्या है आपका क्रांतिक कोण। तो आपको पता चलेगा क्रांतिक कोण क्या है, तो क्रांतिक कोण है वो आपतन कोण का है, आपतन कोण का एक विशेष मान है या विशिष्ट मान है, आपतन कोण का मान है। ठीक है, ठीक है, आपतन कोण का एक विशेष या विशिष्ट मान जिस पर जो अपवर्तित किरण है वो पृथक्कारी पृष्ठ के समांतर हो जाती है या फिर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है। तो उसी कोण के उसी आपतन कोण के विशिष्ट या विशेष जो मान है उसी को हम क्या बोलते हैं क्रांतिक कोण कहते हैं, जिसे आईसी या फिर थीटा सी से प्रदर्शित करते हैं। समझ गए आप।
अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो आईसी है ना वो आपतन कोण का विशेष मान है, मतलब आपतन कोण की जो मान है उसको आपतन कोण को ही एक अलग नाम दे दिया क्रांति कोण। क्यों? क्योंकि क्रांति कोण पर जो अपवर्तित किरण है वो प्रत्यक्ष पृष्ठ की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ठीक है, अब देखो यहां पर, अब मैं थोड़ा सा ही इस आईसी से थोड़ा सा इसको और बढ़ाता हूँ। वापस है वही मैंने, ये एक तरीके से आपकी लोहे की रोड है, ठीक है, ये फिक्स हो रखी है। अब अगर मैं इसको और पकड़ के इसको ऐसे ऊपर करूंगा तो ये जो ये वाली लाइन है वो कहां पर आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, आ जाएगी ना, नीचे आ जाएगा ना। कहने का मतलब मैंने क्या किया, यहाँ पर जो कोण है ना वो कोण है वो क्या कर दिया, आपतन कोण का मान थोड़ा सा बढ़ा दिया, आपतन कोण का मान थोड़ा सा बढ़ा दिया। किससे किससे बढ़ा दिया, क्रांति कोण से। आई मैंने कर दिया ग्रेटर देन आई सी या थीटा सी, इसका मतलब क्या हुआ कि आईसी पर तो क्या होता है, आईसी कोण पर तो क्या होता है, मान लेते हैं आईसी कोण पर, मान लो आईसी कोण हमारा है 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री जब हम आपतित किरण का कोण 60 डिग्री रखेंगे विलंब के साथ में, तब हमारी जो अपवर्तित किरण है वो प्रत्यक्ष पृष्ठ के समांतर हो जाती है। अब अगर मैं 60 से 1 डिग्री ऊपर बढ़ा देता हूं, जैसे मैं कर देता हूं 61 डिग्री, 61 डिग्री करते ही यहां पर घटना क्या होगी, 61 डिग्री करते ही यहां पर जो आपकी अपवर्तित किरण है वो क्या हो जाएगी, वापस उसी माध्यम में आ जाएगी, ये जो है ना ये नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, ये आई है, ये क्या है, मैंने भी बताया ये हमारा क्रांति कोण है, तो ये है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो आपका आई है वो ग्रेटर देन किससे, आईसी से, मतलब आई बड़ा हो जब आईसी से, तो जब आई बड़ा हो आईसी से तब क्या घटना होगी। तो इसके लिए हम यहाँ पर फिर से एक डायग्राम बनाते हैं, तो ये हमारा कौन सा माध्यम, सघन माध्यम है, ये लो सघन माध्यम। तो जैसे ही मैं क्या करूंगा, जो कोण है ये अभिगम बना लिया हमने, थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, चलो तो कोई बात नहीं फिर से बना लेंगे, ये हमारा अभिलंब हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो कोण है ना वो क्या है, वो कोण का मान है वो आई ग्रेटर देन आईसी, क्योंकि आईसी से कम रहेगा तब तक तो ये प्रकाश किरण ऐसे रहेगी, लेकिन जैसे आईसी हुआ कोण आपतन कोण का मान क्रांति कोण के बराबर हुआ तो यहाँ पर क्या हो गया, अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष क्या मतलब जो आपका प्रत्यक्ष पृष्ठ है उसके समांतर हो गई। और जब हमने क्या किया, यहाँ पर थोड़ा सा ही मान बढ़ाया आपतन कोण का क्रांति कोण से ज्यादा, मतलब क्रांति कोण अगर हमारा 60 डिग्री आया और हमने कर दिया 61 डिग्री, तो 61 डिग्री करते ही यहाँ पर क्या घटना हुई, जो आपकी ये अपवर्तित किरण है वापस उसी माध्यम में आ गई, वापस क्या आ गई, उसी माध्यम में आ गई। अब ऐसी घटना तो किसमें हो सकती है, केवल ऐसी घटना तो केवल किसमें हो सकती है, परावर्तन में हो सकती है। और यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि परावर्तन हो रहा है, यहाँ पर ये वाला परावर्तन मतलब प्रकाश किरण गई और दूसरे माध्यम में प्रवेश ही नहीं की और वापस उसी में आ गई, इसीलिए इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कि पूर्ण हुआ, पूर्ण रूप से आंतरिक परावर्तन हुआ, कि मतलब पूर्ण रूप से अंदर ही अंदर, ठीक है, एक ही माध्यम में क्या हो गया, आंतरिक माध्यम में क्या हो गया, परावर्तन हो गया। लेकिन ध्यान रखना है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है किसकी वजह से, वो होता है अपवर्तन की वजह से, किसकी घटना, ये अपवर्तन की घटना है, अपवर्तन की घटना है। इस प्रकार से हमने पहले ये समझ लिया है पर कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। तो यहाँ पर देखो आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहाँ पर आपको दिख रहा है, साथ साथ में अब मेरे को अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर आप बताओ अपवर्तन कोण कौन सा होगा, क्या ये अपवर्तन कोण होगा, बिल्कुल नहीं होगा, अपवर्तन कोण ये वाला होगा। ठीक है, कौन सा कोण होगा, ये वाला आपका अपवर्तन कोण होगा, क्योंकि हम अपवर्तन की घटना पर देख रहे हैं कि परावर्तन की पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर ये आपका अपवर्तन कोण हो जाएगा। तो इसको भी आपको समझना है अच्छे से। और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए अगर मैं कंडीशन बोल दूं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक क्या बातें हैं, मतलब क्या आवश्यक शर्तें हैं जो पूरी करने पर ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तो उसके लिए दो आवश्यक शर्तें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। पहली आवश्यक शर्त है कि जब प्रकाश किरण है वो आपकी जानी चाहिए, प्रकाश किरण सदैव सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तभी ये वो क्या होगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ठीक है, और सघन से विरल में ही क्यों जाती है, क्योंकि सघन से विरल में जानने पर ही वो प्रकाश किरण क्या होती है, अभिलंब से दूर हटती है, नहीं तो अभिलंब के पास ही झुकती जाती है, तो फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। वो भाई पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब हमारे को एक ऐसी घटना करनी जिसमें प्रकाश किरण एक माध्यम में ही वापस टकरा के वापस आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंडीशन होगी। दूसरी जो इसकी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात है क्या है, तो वो है कि आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान परावर्तन, सॉरी आपतन कोण का मान
क्रांति कोण से ज्यादा होना चाहिए। अगर हमारे को पूर्ण आंतरिक परावर्तन करवाना है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन करवाने के लिए हमारे को वो क्या करना पड़ेगा, हमारे को जो आपतन कोण का मान है ना वो क्रांति कोण से क्या रखना पड़ेगा, ज्यादा रखना पड़ेगा, तभी है वो आपकी ये घटना होगी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, नहीं तो ये घटना संभव नहीं है। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि आई आपका ग्रेटर देन होना चाहिए आई सी, या फिर आई ग्रेटर देन होना चाहिए थीटा सी, थीटा सी या फिर आई सी सी, इसको प्रदर्शित करते हैं किसको, क्रांति कोण को प्रदर्शित कर दे, बस इतना सही है वो आपका क्या है पूर्ण आंतरिक परावर्तन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, बिल्कुल आसान है, कोई इसमें कुछ ज्यादा नहीं है कि यहाँ पर आपका क्या हुआ प्रकाश किरण इस प्रकार सघन माध्यम से विरल माध्यम भेजो, हमें बताया कि सघन से विरल में जाएगी तो अभिनम से दूर हटती जाएगी, आपतन कोण का एक ऐसा मान मिलेगा जिस पर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के जो आपकी अपवर्तित किरण है वापस उसी माध्यम में आ जाती है और इसी वजह से उसी माध्यम में आ जाती है, इसी वजह से इसका इसको हम बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। अब इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग क्या है, मतलब किन जगहों पर इनका उपयोग करते हैं, इसका जो उपयोग है आज जो आप मतलब वीडियो देख पा रहे हो उसका कारण है इंटरनेट, ठीक है। तो इंटरनेट कैसे चलता है उसके लिए भी है वो किसका प्रयोग किया जाता है, इन्हीं पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना का प्रयोग किया जाता है। आजकल जो आप इतनी स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह बात कर सकते हो, हजारों किलोमीटर दूर बात कर सकते हो, उसका कारण भी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, ठीक है। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर बनाई जाती है ऑप्टिकल मतलब फाइबर बनाई जाती है, ठीक है। तो मतलब प्रकाशिक तंतु बनाए जाते हैं उनको हम बोल सकते हैं, क्या बनाए जाते हैं, इसका उपयोग कहां पर किया जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग किया जाता है प्रकाशिक तंतु बनाने में, किस बनाने में, प्रकाशिक तंतु बनाने में, ऑप्टिकल फाइबर भी बोलते हैं इसको, ऑप्टिकल फाइबर मतलब जो आपका एक मतलब बोल सकते हो हमारे सामने लैंग्वेज में कि जो एक टावर से दूसरा टावर होता है, ठीक है। तो असल में क्या होता है, जो एक टावर लगा होता है, ठीक है, वो क्या करता है एक निश्चित क्षेत्र कवर करता है। तो ये मान लो एक टावर है यहाँ पर, एग्जाम्पल के लिए मान लो ये टावर है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक निश्चित क्षेत्र कवर करेगा कि ये वो 4 किलोमीटर तक ये वो क्या कर सकता है अपनी रेंज पहुंचा सकता है। तो 4 किलोमीटर तक यहाँ पर जो 4 किलोमीटर के क्षेत्र में जो भी यहाँ पर व्यक्ति रहेंगे ना, यहाँ पर जो भी व्यक्ति रहेंगे, ठीक है, उनसे वो सिग्नल कैच करेगा। मान लो एक व्यक्ति है यहाँ पर, ठीक है, उस व्यक्ति ने क्या किया, किसी को कॉल किया, ठीक है, किसी को कॉल किया। तो व्यक्ति कॉल करने पर जो सिग्नल है पहले ये टावर लेगा यहाँ पर, ठीक है, ये टावर लेने के पश्चात क्या करेगा, ये टावर है वो सीधे दूसरे टावर के पास, मान लो उसने इस जगह पर जो व्यक्ति उसको कॉल किया, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये दूसरा टावर यहाँ पर है और यहाँ पर जो ये व्यक्ति टू मान लो आप, ठीक है, यहाँ पर व्यक्ति फर्स्ट है, ये टावर फर्स्ट मान लो और ये टावर सेकंड मान लो। तो इस व्यक्ति ने कॉल किया, ठीक है, कॉल किया तो सिग्नल है वो किसके पास में गए, टावर फर्स्ट के पास में गए। अब टावर फर्स्ट और टावर सेकंड में यहाँ के बीच की बहुत दूरी होती है, तो वो इतनी रेंज तक सिग्नल नहीं पहुंचा सकते, तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है तार, मतलब एक टावर दूसरे टावर से वो तारों के माध्यम से वो जुड़ा रहता है, उन्हीं से सिग्नल भेजे जाते हैं। अब वो तार नहीं, उनको बोलते हैं प्रकाशिक तंतु या ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं, और वो ऑप्टिकल फाइबर कुछ इस प्रकार की होती है, ठीक है। उसमें क्या किया जाता है, पहले जो हम बोलते हैं ध्वनि जो होती है, ध्वनि को प्रकाश जो प्रकाश है उसमें बदला जाता है, ठीक है, प्रकाश में, फिर प्रकाश है वो क्या करती है, प्रकाश से इस प्रकार से इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन किया जाता है। प्रकाशिक तंतु भी बोलते हैं क्योंकि इसमें कांच के छोटे छोटे टुकड़े लगे होते हैं यहाँ पर, और वो क्या करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन करते हैं, इस प्रकार से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और जो सिग्नल है वो क्या होते जाते हैं इस प्रकार से आगे जाते हैं और टावर टू तक पहुंच जाते हैं, और टावर टू के रेंज में जो व्यक्ति है उस तक ये बात कर दी जाती है। अब ये जो स्पीड होती है ना बहुत तेज होती है, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन है बहुत स्पीड से होता है, इसलिए हमें तुरंत बिना कोई लेग के बिना कोई प्रॉब्लम के हम क्या कर सकते हैं वहां पर जो बात है वो एक दूसरे व्यक्ति से कर सकते हैं। तो ये प्रकाशिक तंतु है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही उपयोग करके वो प्रकाशिक तंतु का निर्माण किया गया है। और ये इंपॉर्टेंट बात भी है, आज का जो टेक्नोलॉजी का है जमाना उसके अंदर तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो ये आपकी क्लियर होना चाहिए, सारी चीजें आपको बता दी कि क्या क्या घटना हुई और कब कब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, समझ गए होंगे। और जो बाकी का जो हमारे दिन है उसको हमें अगले जो हमारा वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हमें करेंगे।